हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय। दोस्तों आज मेरे पास आया एक आईफोन 11 का डिस्प्ले जिसका मुझे टच बनाना है। दोस्तों कस्टमर ने हमें सिर्फ इसकी डिस्प्ले भेजी है, ओनली डिस्प्ले टच के लिए, ठीक है। चलिए आज इसकी टच बनाते हैं कि कैसे हमने बनाई है, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये अब हम पैकेज को खोलते हैं, जरा हम अनबॉक्सिंग कर देते हैं कि इसमें डिस्प्ले आई है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ पहले इसका जो डिस्प्ले पैकेजिंग है, पहले इसको खोल देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमें कस्टमर ने जम्मू कश्मीर से ये का फ़ोन का डिस्प्ले है आईफोन 11 का वो भेजा है। तो चलिए आज हम इनका चेक करके इनका डिस्प्ले का टच जो है कि वो रिप्लेस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये डिस्प्ले है। दोस्तों कस्टमर ने फ़ोन तो नहीं भेजा, इनको डिस्प्ले ही भेजी कि फर्स्ट टाइम दोस्तों थोड़ा होता है कि डाउट कि कहाँ भेजेंगे, तो इसलिए पहले ही इन्होंने डिस्प्ले भेज के देख लिया। तो दोस्तों देखिए ये दिक्कत क्यों आ रही है, दोस्तों देखिए यहाँ पे पत्ता जो टच का पत्ता है ये कटा हुआ है, जिसकी वजह से ही ये दिक्कत आई है। तो दोस्तों चलिए पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये डिस्प्ले चालू भी है या तो नहीं। तो यहाँ से ऑन करता हूँ, ओके। तो दोस्तों देखिए डिस्प्ले चालू है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, देखिए ऑन करते हैं तो टच, देखिए यहाँ पर टच वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये दिक्कत दोस्तों इसके अंदर आ रही है, देखिए टच नहीं वर्क कर रही, ठीक है। तो देखिए ये वाला डिस्प्ले है जो कस्टमर ने हमें भेजा है, तो उसकी टच जो है वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। तो आज की टच बनाएंगे। दोस्तों कस्टमर ने सिर्फ डिस्प्ले भेजी है, बाकी हमें ऐसा काम करके हमें उनको वापस भेजना है। चलिए दिखाते हैं कैसे हमने टच को बनाया और वापस उनको भेजा है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब हम काम शुरू करते हैं अपना। यहाँ पे दोस्तों डिस्प्ले के जो सारे स्क्रू होते हैं पीछे प्लेट के, पहले वो सारे हम निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए जो पिन स्क्रू है निकाल देते हैं। उसके बाद स्पीकर पत्ता होता है ये भी हम हटा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमारा ये काम हो गया। दोस्तों अब नेक्स्ट क्या है, इसका थ्रू टोन। दोस्तों पहले हम थ्रू टोन इसका रीड कर लेते हैं दूसरी डिस्प्ले के अंदर। दोस्तों हम ख़राब डिस्प्ले जो होती है उस ख़राब डिस्प्ले के अंदर पहले इसका थ्रू टोन जो है कि रीड कर देंगे, ताकि बाद में डालने में आसानी हो, ठीक है। यहाँ से दोस्तों देखिए यहाँ से थ्रू टोन, अब जो दूसरी डिस्प्ले ख़राब है तो इसमें थ्रू टोन जो है कि पहले हम डाल रहे हैं, ताकि बाद में हम आराम से डाल सकें। दोस्तों चलिए अब करते हैं हमारा नेक्स्ट काम जो है वो है इसका फ्रेम कटिंग। दोस्तों यहाँ फ्रेम जो है कटिंग करनी है। तो दोस्तों ये प्रोसेस थोड़ा सा हार्ड होता है, ताकि जो ये एक फ्रेम निकालते वक्त भी डिस्प्ले में लाइन भी आ सकती है, तो ये पहले इस काम को पहले आराम से जो है कि करना होता है। दोस्तों फ्रेम निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर ग्लास काटने में टच काटने में बहुत मुश्किल होती है। इसलिए यहाँ से पहले इस फ्रेम को जो है कि यूं करके निकाल देते हैं। दोस्तों ये काम थोड़ा सा हार्ड होता है इसको निकालना, वरना डिस्प्ले में लाइनिंग आ सकती है, इससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से इसका ग्लास जो है कि इसका जो फ्रेम है वो रिमूव कर देते हैं, ओके। तो दोस्तों यहाँ देखिए अब ये फ्रेम जो है कि आराम से हट चुका है, ठीक है। दोस्तों चलिए बात है नेक्स्ट स्टेप पे। अब अगला है जो है कि कटिंग करना। दोस्तों अब थोड़ा टच है वो आप यहाँ से कटिंग करेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो तार होती है वायर डाल के इसमें से कटिंग करेंगे। दोस्तों इस तरीके से अब कटिंग हो रही है, ओके। तो दोस्तों देखिए फाइनली अब पूरी कटिंग यहाँ से हो चुकी है, ओके। दोस्तों देखिए ये है इस तरीके की डिस्प्ले, अंदर की जो डिस्प्ले हमारी होती है एलसीडी वो निकल गई, टच हमारा अलग हो गया। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ से डिस्प्ले की सफाई होती है। अब वो जो ग्लू लगा हुआ सारा, वो ग्लू पहले यहाँ से साफ़ करेंगे, जितना भी ग्लू होते हैं गंदगी सारी होती है साफ़ करेंगे, बिल्कुल चमकाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम जो नई टच लेके आए हैं वो नई टच को जो है कि पहले चेक कर लेंगे कि वर्क कर रही है कि नहीं, उसके बाद हम फिक्स करेंगे। दोस्तों यही करना होता है, पहले आप टच को अच्छे से चेक कर लेना, उसके बाद ही जो है कि डिस्प्ले में लगाना, वरना बाद में टच वरना ख़राब हो जाएगी, ओके। देखो दोस्तों यहाँ से इस तरीके से जो है चेक कर लेना है, देखिए टच पर बड़े चल रही है। तो दोस्तों फाइनली टच में कोई दिक्कत नहीं, टच तो फर्स्ट क्लास चल रही है। तो अब हम इसमें काम जो है कि शुरू करेंगे, चलिए इसको बंद करते हैं, ओके। तो दोस्तों अब क्या करना है, हमको थ्रू टोन। दोस्तों अब थ्रू टोन जो है कि जो समय पर टच थी उस टच के अंदर थ्रू टोन को जो है कि रीड करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों बाद में हम थ्रू टोन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अभी थ्रू टोन डाल देते हैं, ओके। तो दोस्तों थ्रू टोन हमने डाल दिया है, तो अब यहाँ दोस्तों देखिए अब यहाँ से टच प्रॉपर ही हम साफ़ कर देते हैं, जितना भी ग्लास जो भी हमारा जो स्क्रीन है वो अच्छे से स्क्रीन को साफ़ करना था, क्योंकि डस्ट ना रहेगा, डस्ट अगर रहेगा दोस्तों तो ग्लास में टच में दिखाई देगा। तो दोस्तों अब यहाँ की जो पन्नी होती है उस पन्नी को भी अब हम हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो डिस्प्ले है और अंदर की एलसीडी होती है, वो एलसीडी को जो है कि अब हम इसमें फिक्स करेंगे, यहाँ से ऐसे फिक्स कर देनी है, ठीक है। जहाँ दोस्तों हो चुका है, और दोस्तों अब उसकी बारी है पंचिंग की। दोस्तों ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये पंचिंग मशीन है, यहाँ पे हम इसका जो अंदर मशीन है इसके अंदर हम डिस्प्ले को रख के इसको पंच कर दबाएंगे, ताकि ये डिस्प्ले अच्छे से प्रॉपर से फिक्स हो जाए, कहीं से कोई भी बबल वगैरह जो है कि बड़ा ना रह जाए, ठीक है। तो यहाँ से इसको बड़े आराम से जो है कि इस मशीन के अंदर रखना है। तो यहाँ से दोस्तों बराबर सेंटर में इसको बिठाना है, कहीं दाएँ बाएँ ना रहे, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। उसके बाद इसको मशीन में आराम से रखना है, ताकि खिसके ना ये,
ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप इसको बड़े आराम से सेट कर देना है। उसके बाद उसको बंद करके और मशीन अपनी कर देंगे चालू। दोस्तों 2 मिनट का टाइम लगेगा, 2 मिनट बाहर आएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से बबल मशीन के बाद भी निकाल दिया है दोस्तों, बबल की मशीन के में डाल दिया है, वहाँ से दोस्तों देखिए निकाल दिया है। अब आपके सामने जो डिस्प्ले देखिए आपके सामने है, यहाँ दोस्तों बिल्कुल भी कोई बबल नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। और बाकी टेम्पर ग्लास हमने स्क्रीन गार्ड ऊपर लगा दिया है। तो दोस्तों देखिए फाइनली हमारी डिस्प्ले की टच जो है कंप्लीट लग चुकी है, कोई भी बबल अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल न्यू कंडीशन में हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए अब इसको करेंगे पैक। दोस्तों इसकी जो बैक प्लेट होती है अब वो लगा देते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों इस तरीके से हम काम करते हैं दोस्तों। और आप भी हमारे साथ फ़ोन ठीक करना चाहते हो तो आप भी हमें कूरियर द्वारा अपने फ़ोन को भेज सकते हो या अपने पार्ट्स को भेज सकते हो और अपने फ़ोन को रिपेयर करवा सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब इसको करते हैं ऑन और चेक करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा काम है दोस्तों, प्रॉपर तरीके से टच वर्क कर रही है, तो हमारा काम जो है फाइनली हो चुका है। ट्रूटोन भी चल जाएगा लेकिन फ़ोन उसके लिए नहीं है हमारे पास। बाकी डिस्प्ले मैसेज तो दोस्तों आएगा सेटिंग में जाके, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके दोस्तों, फाइनली काम हमारा हो चुका है दोस्तों, इस तरीके से हम काम करते हैं। बाकी दिल्ली में दोस्तों हमारी सर्विस है और कूरियर सर्विस जो होती है हम दिल्ली में करते हैं। तो अगर दोस्तों आप भी दिल्ली के बाहर से अगर फ़ोन आप रिपेयर करवा सकते हो तो हमारे से फ़ोन रिपेयर करवा सकते हो। दोस्तों चलिए, आप हमने इसके फ़ोन को जो है कि पैक कर दिया है डिस्प्ले को, यहाँ से आप हम कस्टमर के पास वापस इस डिस्प्ले को भेजेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक गुड बाय एंड टेक केयर।